राजस्थान यूनिवर्सिटी में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 20 अगस्त को सुबह 8 से 10 बजे तक नामांकनों पर आपत्तियां देने का समय है। उसी दिन सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक नाम वापसी और नामांकनों की छंटनी होगी। शाम 5 बजे अंतिम नामांकन सूची जारी कर दी जाएगी। 23 अगस्त को मतदान होगा। उदयपुर में राज्य सरकार के दौरे के कारण 30 अगस्त को चुनाव होंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनावों को लेकर जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय पर भाजपा जयपुर देहात पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में एबीवीपी के प्रत्याशियों को छात्र संघ चुनाव में जीत दिलाने के लिए टास्क दिया गया। जयपुर देहात भाजपा अध्यक्ष दीनदयाल कुमावत की अध्यक्षता में चली बैठक में चौमू विधायक और जयपुर देहात भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रामलाल शर्मा, बगरू विधायक कैलाश वर्मा और दूदू विधायक प्रेम बैरवा मौजूद रहे। बैठक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ उम्मीदवार भी शामिल हुए। जयपुर देहात भाजपा के अध्यक्ष डीडी कुमावत ने बताया कि एबीवीपी के उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों और एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। बहुत खुशी है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जयपुर ग्रामीण के सारे कैंडिडेट लिए। ये पहली बार इतिहास में है कि जयपुर ग्रामीण के 4 कैंडिडेट पूरे लड़ रहे हैं। हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारी विचारधारा की अखिल भारतीय विद्यार्थी पार्टी है और हम भी अखिल विद्यार्थी परिषद के रहे हैं छात्र नेता, तो हमने आज पूरे जयपुर ग्रामीण की मीटिंग बुलाई है। सभी मंडल अध्यक्ष, सभी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सब यहाँ पधारे हैं। उन सबको आने वाले 23 तारीख में जी जान से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव जीते, इसके लिए सभी साधनों के लिए, सभी छात्रों को विश्वविद्यालय तक लाने के लिए सबको निर्देश दिए गए हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस बार गर्ल्स की पोलिंग हो सके, इसके लिए भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। ये प्रत्याशी के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में वर्चस्व रखने के लिए प्रत्याशी बनाया, उसी बात को लेकर आज हमने यहाँ पे हमारे जिलाध्यक्ष जी और तमाम जो पार्टी के विधायक है, हमारे तमाम जयपुर ग्रामीण से जुड़े हुए मंडल के जो अध्यक्ष है, महामंत्री है, महिला मोर्चा के पदाधिकारी है, पिता तुल्य बुजुर्ग जो भारतीय जनता पार्टी में अपना वर्चस्व रखते हैं, उनके साथ में हमने जो योजना बनाई है उस योजना के तहत हमने 23 तारीख की पूरी रूपरेखा एक मंडल के दौरान और एक एबीवीपी को हम राजस्थान विश्वविद्यालय के इस पूरे पैनल को जिताने में कैसे पूरी तरीके से अपना। छात्र संघ चुनाव को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी घोषणा पत्र जारी किया है। हालांकि इनमें अधिकतर वो मुद्दे हैं जो कि पिछले चुनाव में भी घोषणा पत्र में जगह बना चुके हैं। संगठन ने छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मी, सीसीटीवी कैमरे और छात्रा हेल्पलाइन शुरू करने को लेकर, विश्वविद्यालय में जॉब प्लेसमेंट सेल शुरू करने, एडम ब्लॉक को कंप्यूटराइज करने जैसी तमाम मांगों को घोषणा पत्र से जोड़ा है। एबीवीपी से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शंकर गौरा सहित तमाम कैंडिडेट्स ने इस घोषणा पत्र पर स्वीकृति जताई। वहीं संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री मिथिलेश गौतम ने बागियों पर बोलते हुए कहा कि संगठन एक बार फिर एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। स्पेशल बस उपलब्ध हो यूनिवर्सिटी में और स्किल डेवलपमेंट सेल विश्वविद्यालय परिसर में महिलाओं की, में छात्राओं की सुरक्षा हो और सीसीटीवी कैमरों की विद्यार्थी परिषद की पुरानी मांग रही है, कुछ जगह कैमरे लगे भी, मगर अब विद्यार्थी परिषद की मांग है कि पूरे छात्रावासों में और विश्वविद्यालय और संगठक कॉलेजों के हर जगह कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगे और छात्राओं के लिए हेल्पलाइन रहे, विश्वविद्यालय के सभी संकायों में कंप्यूटरीकृत करने की व्यवस्था हो, सरदार पटेल भवन को भी कंप्यूटरीकृत करने की व्यवस्था हो और विश्वविद्यालय में छात्रों को नियमित जॉब प्लेसमेंट सेल की व्यवस्था की जाए। पूरे विश्व में गुंजायमान करने के लिए एबीवीपी का ये कैंडिडेट्स और एबीवीपी का हर कार्यकर्ता आम छात्र तक जाकर अपील करेगा कि एबीवीपी के प्रत्याशियों को वोट डालें और निश्चित रूप से ये एबीवीपी के चारों प्रत्याशी विजय होंगे और बड़े भारी बहुमत के साथ विजय होंगे। जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एबीवीपी ने काम किया है, केंद्र से भी उखड़ी है, राजस्थान से भी उखड़ी है और ये जो कांग्रेस नीत छात्र संगठन है इस कैंपस से भी उखड़ेगा, ये वादा और ये संकल्प हम सब लोगों का है, हम छात्र का। धौलपुर में छात्र संघ चुनाव को देखते हुए जिले के सरकारी कॉलेज और निजी कॉलेजों में प्रचार प्रसार ने जोर पकड़ लिया है। इसको लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता छात्र छात्राओं के घर तक पहुंचे और उनसे अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। साथ ही शनिवार को सभी कॉलेजों में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया भी और कर दिया गया। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ता भी छात्र छात्राओं को घर घर जाकर वोट देने की अपील कर। चुनाव में एनएसयूआई ने छात्र संघ अध्यक्ष पद पर पवन कुमार कंसाना और एबीवीपी ने सत्येंद्र पोस्टवाल को प्रत्याशी बनाया है।
तीस अगस्त को छात्र संघ अध्यक्ष पद और अन्य पदों के लिए चुनाव है, उसके लिए हमारी पूरी एनएसआई की टीम, हमारे अध्यक्ष और अन्य पदों पर जो भी कैंडिडेट हैं वो सभी प्रचार में जुटे हुए हैं। छात्रों से घर घर जाकर संपर्क किया जा रहा है। की बार छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए अपना एक ऐसा उम्मीदवार चुनेंगे जो हमारी कॉलेज में व्याप्त समस्याओं को हमारे साथ मिलकर काम करे और हमारी समस्याओं को दूर करे, जैसे पानी की समस्या, छात्र कॉलेज में जो माहौल खराब हुआ है उस माहौल को सुधारने की समस्या, टीचरों की समस्या और विधि कॉलेज वगैरह में जो सब्जेक्ट है उन्हें आगे बढ़ाने की समस्याओं को लेकर जो उम्मीदवार। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीत के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। वहीं संगठन से भागे हुए नेताओं की घर वापसी की जा रही है, तो वहीं समीकरणों को पक्ष में करने के लिए दूसरे संगठन के छात्र नेताओं को भी संगठन से जोड़ा जा रहा है। एनएसयूआई संगठन ने एबीवीपी के बागी कार्यकर्ताओं अरुण कटारिया को अपने साथ लिया है, तो वहीं एबीवीपी ने नरेश मीणा, राजेश मांडिया को संगठन का साथ देने के लिए अपने साथ लिया है। वहीं इस दौरान कई छात्र नेताओं को भी संगठन में जगह दी गई है, वहीं बागियों को भी मना लिया गया है। मैं जब भी राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने जिसको भी समर्थन दिया, जब भी मैं जिसके साथ लगा हूँ, आज तक मैं ईमानदार लोगों के साथ लगा हूँ, अच्छे लोगों के साथ लगा हूँ और स्टूडेंटों के साथ लगा हूँ। मैं हमेशा धनबल के खिलाफ रहा हूँ और एबीवीपी जो संगठन है वो राष्ट्रवादी संगठन है, विचारधारा का संगठन है। और एबीवीपी ने जो इस बार एबीवीपी ने जो पैनल उतारा है, मैं जिस दिन से पैनल उतरा था उस दिन से इस पैनल की तारीफ कर रहा था कि एबीवीपी के जो पैनल उतरा है वो एकदम एक स्टूडेंटों को टिकट दिया, छात्रों को टिकट दिया है और उन छात्रों को टिकट दिया है जिन्होंने पूरे टाइम एबीवीपी संगठन के लिए काम किया राजस्थान विश्वविद्यालय के। राज्य में शनिवार 23 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए भले ही संगठन एकजुट होकर अपनी रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन एबीवीपी टोंक में दो भागों में बंटती नजर आ रही है। यहां पर एक दिन पूर्व घोषित पैनल का विरोध जताते हुए एबीवीपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राधेश्याम चावला और अन्य पदाधिकारियों ने एबीवीपी जिला प्रमुख और संयोजक पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताया। हम आपको बता दें कि शनिवार को टोंक में डाक बंगले पर आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला स्तरीय बैठक में पदाधिकारियों ने अपनी और जिले की टोंक, देवली और मालपुरा इकाई के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव के नामों की घोषणा की थी। जो एबीवीपी विद्यार्थी परिषद की तरफ से जो पैनल घोषित किए गए थे वो सिर्फ दो आदमियों की वजह से घोषित हुए थे जिन्होंने पैसे लेकर ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिए थे जो सिर्फ दारू वगैरह पीते हैं और उनका कोई लेना देना नहीं विद्यार्थी परिषद से। कल जो दो व्यक्ति थे वो इसी वजह से उन्होंने घोषणा की। इतनी जल्दबाजी विद्यार्थी परिषद के संगठन को कभी नहीं थी। मैं तो ऐसे मानता हूँ कि ये ठीक है वो गलत है, उसमें दादागिरी के हिसाब से हो रहा है सब काम, इसमें सब काम तरीके से हो रहा है, पैसे के लालच से हो रहा है वो काम, ये काम सब विद्यार्थियों के लिए हो रहा है। मतलब कि उन्होंने पैसे देकर वो टिकट खरीदे, मेरा मानना तो यही है।